हेलो गुड मॉर्निंग जोहर, मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो जामताड़ा और लातेहार के 17 मजदूर मिले लाने का निर्देश। चमोली में फंसे जामताड़ा के 7 और लातेहार के 10 मजदूर सुरक्षित हैं। राज्य सरकार द्वारा संचालित श्रम विभाग के कंट्रोल रूम के पदाधिकारियों ने दोनों जिलों के मजदूर से संपर्क किया है। लातेहार जिले के 10 मजदूर ने बताया कि वे लोग वहां से निकलकर हरिद्वार आ गए हैं। राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को उन लोगों को लाने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। वहीं जामताड़ा के 7 मजदूरों ने भी बताया कि वे लोग किसी पहाड़ पर फंसे हुए हैं। राज्य के अधिकारियों को उत्तराखंड आपदा प्रबंधन ने 7 लोगों से संपर्क होने की जानकारी दी है। वह ट्रेड यूनियन सीटू से भी जो है राज्य सरकार ने संपर्क किया है। सीटू के पास 13 लोगों के सुरक्षित होने तथा संपर्क में होने की जानकारी है। वहीं इधर हजारीबाग के 2 लोगों से संपर्क नहीं है। राज्य सरकार के टोल फ्री नंबर पर एक महिला ने फोन कर चमोली में फंसे 2 परिजनों से संपर्क नहीं होने की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि दोनों लोगों के मोबाइल फोन पर कई बार कॉल किया गया है लेकिन बात नहीं हो सकी है। वहीं इधर जो है रामगढ़ के 4, लोहरदगा के 9 और बोकारो के 1 व्यक्ति से अब तक संपर्क नहीं हो पाया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लोकसभा में मोदी बोले, कृषि कानून बंधन नहीं विकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 3 नए कृषि कानून को लेकर कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों पर झूठ और अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है। साथ ही प्रदर्शन कर रहे किसानों से बैठकर चर्चा करने और समाधान निकालने की अपील की है। कृषि कानून को लेकर तमाम आशंकाओं को निराधार करार दिया है। कहा कि ये कानून किसी के लिए बंधन नहीं बल्कि विकल्प है। स्पष्ट किया कि जो पुरानी कृषि विपणन प्रणाली को जारी रखना चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। लोकसभा में जो है राष्ट्रपति की अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा कर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ये बातें कही है। उन्होंने यह भी कहा कि किसान आंदोलन पवित्र है लेकिन किसानों के इस पवित्र आंदोलन को बर्बाद करने का काम आंदोलनकारियों ने नहीं आंदोलनजीवों ने किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर इजाफा। पेट्रोल और डीजल की कीमत लगातार दूसरे दिन बढ़ोतरी के साथ नई ऊंचाई पर पहुंच गई है। पेट्रोल की कीमत में 30 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 25 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों का 18 को 4 घंटे रेल रोको अभियान। नए कृषि कानून के खिलाफ अपने आंदोलन को तेज करते हुए प्रदर्शनकारी किसान यूनियन ने 18 फरवरी को 4 घंटे के राष्ट्रव्यापी रेल रोको अभियान की घोषणा की है। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड मौसम विभाग से कि 16 से फिर बदल सकता है मौसम। मौसम का मिजाज 16 फरवरी से बदल सकता है। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान किया है कि 16 फरवरी को पश्चिम विक्षोभ का असर हो सकता है। इस कारण आकाश में बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं भारी और कहीं कहीं मध्य दर्ज की बारिश हो सकती है। फिलहाल लोगों को ठंड से राहत मिलनी शुरू हो गई है। न्यूनतम तापमान जो है 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चल रहा है और अधिकतम तापमान 30 डिग्री के आसपास है। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर तो राज्य में 45 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं जबकि 3 की मौत हो गई है। झारखंड में बुधवार को कोरोना के 45 नए संक्रमित मिले हैं, वहीं 42 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं राज्य में 3 मरीजों की मौत हो गई है। राज्य में कोरोना से अब तक 1081 की मौत हो चुकी है। राज्य में अब तक जो है 119,161 संक्रमित मिल चुके हैं जिसमें से जो है 117,616 की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। इस समय एक्टिव केस 464 है। वहीं जो है इधर 13,844 लोगों को लगा टीका। राज्य में बुधवार को लक्ष्य जो है 24,960 के विरुद्ध केवल जो है 13,884 लोगों को ही कोरोना का टीका लगा है। इसमें से जो है 8,000 जो है 10 फ्रंटलाइन वर्कर और 5,800 जो है 74 स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में कचहरी चौक से कांटा टोली तक बनेगी 4-लाइन सड़क, 70 करोड़ रुपए होंगे खर्च। राजधानी रांची को जाम से मुक्त दिलाने एवं सुगम यातायात के लिए सर्कुलर रोड पर कचहरी चौक से कांटा टोली चौक तक 4-लाइन सड़क बनाने का निर्णय लिया गया है। नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस सड़क को 4-लाइन बनाने की सहमति फाइल पर दे दी है। सचिव विनय कुमार चौबे ने अधिकारियों को सड़क के चौड़ीकरण की प्रक्रिया जल्द शुरू करने का निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों के समर्थन में कृषि कानून के विरोध में कांग्रेसियों ने प्रखंड सम्मेलन कर दिखाई एकजुटता। धनबाद जिले में कृषि कानून के विरोध और किसानों के समर्थन में बुधवार को कांग्रेसियों ने प्रखंड सम्मेलन में एकजुटता दिखाई। जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों के प्रति बुरा व्यवहार कर रही है। केंद्र सरकार अपनी हठधर्मिता छोड़ तीनों कृषि काला कानून वापस ले। केंद्र के अन्नदाता तीनों कृषि काला कानून को वापस लेने को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इसके बावजूद प्रधानमंत्री एवं अहंकारी भाजपा सरकार किसानों की पीड़ा महसूस नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी देश का हित व किसानों के साथ हर सुख दुख में हमेशा साथ रही है और रहेगी। पार्टी सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी। इसी क्रम में 13 फरवरी को जिला स्तरीय पदयात्रा पुलिस लाइन से जो है हाजीपुर से शुरू होकर रणधीर वर्मा चौक होते हुए गांधी सेवा सदन, बापू की प्रतिमा स्थल तक पहुंचेगी।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो चालकों को माला पहनाकर किया जागरूक। साहिबगंज जिले में सड़क सुरक्षा जागरूक अभियान के तहत बुधवार को शहीद चौक के समीप वीडियो सैमन मरांडी व थाना प्रभारी कैलाश प्रसाद ने जागरूक रथ रवाना किया। इस दौरान वीडियो ने कहा कि आप जब अपनी मोटरसाइकिल लेकर सड़क पर निकले तो हेलमेट अवश्य पहने, हेलमेट नहीं पहनने वाले चालकों को माला पहनाकर आगे से ऐसा न करने की चेतावनी दी। मिथिलेश कुमार अशोक पाल ने सड़क सुरक्षा के लिए पंपलेट बांटने के साथ साथ सभी वाहन चालकों को जो है सावधानीपूर्वक सड़क पर चलने के लिए परिवहन विभाग के नियमों को बताया एवं पालन करने को कहा। सड़क हादसों के शिकार लोगों को सहयोग करने के लिए कृषि विभाग में कार्यरत प्रजापति प्रकाश बाबा को वीडियो ने पुष्प गुच्छा भेंट कर स्वागत किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो निजी सेक्टर में झारखंड के लोगों को मिल सकता है 75% आरक्षण, बिल लाने की तैयारी। झारखंड सरकार ने निजी क्षेत्र में आरक्षण की दिशा में बकायदा तेज कर दी है। इस सिलसिले में निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% पद झारखंडियों के लिए सुनिश्चित करने की दिशा में विधानसभा के बजट सत्र में प्रस्ताव लाया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक प्रस्ताव को अंतिम रूप देने में अधिकारी लगे हैं। कार्मिक विभाग और श्रम विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से इस प्रस्ताव को तैयार करने की दिशा में जुटे हुए हैं। इसके अलावा विशेषज्ञ से भी सलाह ली जा रही है। निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था के दायरे में नई कंपनियां आएगी, आरक्षण के प्रावधान इन पर लागू होंगे। पुरानी कंपनियों में यह चरणबद्ध तरीके से प्रभावी होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसे लेकर गंभीर हैं। वह झारखंड के स्थानीय लोगों को निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण देने के प्रबल जो है पक्षधार में हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रोन्नति मामले में मुख्य सचिव व कार्मिक सचिव के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा कमेटी ने स्पीकर को सौंपी रिपोर्ट। झारखंड के मुख्य सचिव और कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव के खिलाफ STSC अत्याचार अधिनियम के तहत कार्रवाई हो सकती है। विधानसभा समिति ने सरकार से कार्रवाई का आग्रह किया है। समिति का आरोप है कि दोनों अधिकारियों ने गुमराह किया है और दोनों अधिकारियों के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का भी आरोप है। कल अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारियों के प्रोन्नति के मामले में गठित विधानसभा का जो है विशेष कमेटी ने अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को उनके आवास पर सौंप दी है। स्पीकर जो है रविंद्रनाथ महतो को जो है विधायक बंधु त्रिकी और दीपक बरुआ ने रिपोर्ट सौंपी है। विधानसभा समिति ने कहा है कि प्रोन्नति के लिए अस्पष्ट दिशा निर्देश का जो है पत्र जारी करने के बाद सभी प्रकार की प्रवृत्तियों पर लगी रोक को हटाया जा सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो काम दिलाने के बहाने सिमडेगा के 3 लड़कियों को दिल्ली ले जा रहा था तस्कर गिरफ्तार। RPF ने बुधवार को ट्रेन संख्या 083-09 सबलपुर जो है जम्मू तवी एक्सप्रेस से 3 लड़कियों को दिल्ली ले जा रहे एक मानव तस्कर को गिरफ्तार किया है। इसमें से 2 नाबालिग व 1 युवती है। तीनों लड़कियों सिमडेगा के जो है टेटे टांगर और जो है कोलबीरा की रहने वाली है। पुलिस ने जो है तस्कर और तीनों लड़कियों को सिमडेगा की एंटी ह्यूमन ट्रैकिंग यूनिट को सौंप दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लातेहार में नक्सली नरेश गंजू गिरफ्तार, लेवी वसूलने की बना रहा था योजना। लातेहार जिला पुलिस ने नक्सली संगठन TPS के सब जोनल कमांडर नरेश गंजू उर्फ जोहे रविकांत जी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने नक्सली को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली के पास से पुलिस ने पिस्टल और गोली भी बरामद की है। लातेहार SP प्रशांत जोहे आनंद ने पत्रकारों को बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि बालूमा थाना के जोहे गिद्दी मोड़ के पास एक जंगल में एक ठेकेदार से लेवी वसूलने के लिए नरेश गंजू और के दस्ता के सदस्य योजना बना रहे थे। इसी योजना पर एक छापेमारी दल का गठन किया गया और इस छापेमारी में नरेश गंजू उर्फ जो है रविकांत को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य जो है दस्ता सदस्य जंगल का लाभ उठाकर भाग गए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो क्रेडिट लिंकेज से आत्मनिर्भर बन रही है झारखंड की सखी मंडल की महिलाएं। 1 साल में 550 करोड़ की मिली राशि। झारखंड की ग्रामीण महिलाएं खेती पशुपालन एवं कारोबार में भी हाथ जो है आजमाते हुए सफल उद्यमी के रूप में अपनी पहचान बना रही है। ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ऐसी महिलाओं को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है जिससे उनका आर्थिक जो है स्वावलंबन सुनिश्चित हो सके। ग्रामीण महिलाओं को सखी मंडल से जोड़कर सशक्त आजीविका उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। महिलाओं इस जो है सशक्तिकरण से सबसे अधिक सहयोगी क्रेडिट लिंकेज बन रहा है। झारखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत राज्य में अब तक 2,54,000 सखी मंडल के गठन के जरिए करीब जो है 32 लाख परिवारों को सखी मंडल से जोड़ा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करो तो सिमडेगा में केला लदे वाहन से भारी मात्रा में गांजा जब्त। सरायकेला से पीछा कर रही थी NCB की टीम। सिमडेगा जिले के सदर थाना क्षेत्र के बिरू में केला लदे वाहन से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया है। जिले के SP संभय तपरेज ने गांजा जब्ती की पुष्टि की है। बताया गया है कि गांजा लदा वाहन सिमडेगा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पुलिस ने गांजा जब्त कर लिया है। जानकारी के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर उड़ीसा के सरायकेला से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम उक्त वाहन का पीछा कर रही थी। इसी क्रम में वाहन बिरू में जो है आकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जाँच के क्रम में ट्रक से केले के बीच छुपा कर रखा गया भारी मात्रा में गांजा जब्त किया गया है। इधर जिले के सदर थाना की पुलिस मौके पर
पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है। 35 पैकेज गांजा जब्त होने की बात कही जा रही है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।